फ्रेंड्स में भी रिमाइंडर ही। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चाहे एनालिसिस करेंगे हम मंडे के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे मंडे क्या संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय मंडारी, टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ब्लॉग है विनय मंडारी .blogspot.com, फेसबुक पेज है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय मंडारी, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। आप सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब में हमारे साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके चलिए सबसे पहले चार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैंने लगा दिया निफ्टी का चार्ट। देखिए हमें सेल बना है यहाँ और उसके बाद अच्छा खासा नीचे दिया है, और कल भी मैंने आपको यहाँ पर जब था बाजार क्लोजिंग दिया था तब भी मैंने बोला था कि मेरे को लग रहा है 11,227 आ सकता है, तो उसने एक ही दिन में पूरा टारगेट अचीव कर दिया है 11,227 का, जो मेरा टारगेट था। आप कल का वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है तो उन्होंने तो कमाया भी होगा पैसा। डेली चार्ट मैं दिखाना चाहूँगा एक बार निफ्टी का आपको। डेली चार्ट दिखाने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से भी आप देखिए वीडियो के नीचे यहाँ भी लिंक दिया है, इस लिंक से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट स्ट्रेटजीज हमारी तरफ से मिलती हैं, लेटेस्ट एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं आप। थोड़ा सा गला ख़राब है आज, और ये हमारा ब्लॉग है vinaymandari.blogspot.com, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें जो लैंग्वेज में आपको पढ़ना है वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, यहाँ पर जाके आपको बस लैंग्वेज चेंज करनी है, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है उस लैंग्वेज में यहाँ से आप जाके पूरा ब्लॉग हमारा पढ़ सकते हैं। ओके चार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए डेली चार्ट, मैंने आपको ये टारगेट निकाला था पहले 667, वो अचीव हो गया। फिर कल मैंने ये टारगेट निकाला था आपको 227 का, वो भी अचीव हो गया है। अब नीचे की तरफ जो दिख रहा है मेरे को वो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है 10,750-60 के आसपास, 10,750-60 के आसपास दिख रहा है टारगेट। तो ये टारगेट भी मेरे को लगता है बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, जिस तरह से गिर रहा है बाजार उस तरह से मेरे को लगता है बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा 10,750-60 के आसपास, एक्यूरेट मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ। तो ये चार्ट हो गया हमारा, चार्ट के हिसाब से भी हमने देख लिया है, लेकिन हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है वो समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके और आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज आपको यहाँ मिलेंगी। मेरे से सीखना है तो मेरा नंबर है 9699646408, उस पर व्हाट्सअप करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। सॉरी देखिए ये ऑप्शन चेन में हम आ गए, सॉरी थोड़ा सा इसे स्टडी कर लेते हैं। आज जो क्लोजिंग दिया है 11,200 के पास में क्लोजिंग दिया है, 11,200, तो मैं आ जाता हूँ इधर 11,200 के पास में, 11,000 यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ सब, लेकिन कॉल राइटिंग ही है यहाँ पर, बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है 11,400 ये लेवल, अभी 11,400 भूल जाओ आप कुछ दिन के लिए फिलहाल, तो 11,400 का लेवल आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। 11,400 अगर आ भी जाता तो 11,500 आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, 11,500 तो मुश्किल लग रहा है। नीचे की तरफ अगर देखते हैं हम थोड़ा, तो यहाँ पर 11,100 यहाँ पर थोड़ा कॉल राइटिंग है, 11,000 में भी कॉल राइटिंग है। अच्छा ओपन इंटरेस्ट 1,51,000 का हो गया यहाँ पर, यहाँ है 5,37,000, और नीचे देखेंगे तो ये तो कुछ नहीं है कॉल साइड में, कुछ नहीं है। चलो पुट साइड का डेटा एक बार देखेंगे, पुट साइड का डेटा हमें क्या कह रहा है ये देखेंगे। देखो समझने की कोशिश करना, मैं पूरा चार्ट पूरा देख चुका हूँ, डेटा भी पूरा देख चुका हूँ, बाजार मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार दिखाया था। देखिए यहाँ पर फ्रेश पुट बाएंगे 11,000 में, देखो 5,00,000 की पुट पाएंगे यहाँ पर 11,000 में, अभी हम हैं यहाँ पर 11,200 में। अच्छा ये
ओके देखिए, जो टारगेट निकाला है मैंने 11,201 पे क्लोजिंग है आज की, 11,201 पे। और कल मैंने 11,227 का आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव हो गया है अपना एक ही दिन में। टारगेट इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक दिन में आ जाएगा, एक दो चार दिन का मेरे को लग रहा था कि दो चार दिन में वो टारगेट आना चाहिए, लेकिन ये एक ही दिन में आ गया है। अब यहाँ से जो टारगेट मेरे को दिख रहा है, देखो ये टारगेट दिख रहा है, ये वाला टारगेट, ये टारगेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, 11,777। ये टारगेट आप पकड़ना है आपको, 11,777 ध्यान रखना, टारगेट को नोट कर लेना, 11,777 ये टारगेट मेरे को दिख रहा है निफ्टी में अब। और ये टारगेट भी मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ही आना चाहिए। ओके, आप एक बात और नोट करना, मैं हमेशा कहता हूँ आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर्स राय लेके करिएगा, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं केवल एजुकेशन देना ही मेरा काम है। ट्रेडिंग के लिए आप कभी भी अपने एडवाइजर्स राय लेके करिएगा, मैं केवल अपनी बात करता हूँ यहाँ पर कि मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरे को जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मेरे को बाजार 11,777 लग रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं शॉर्ट करके काम करना पसंद करूंगा। शॉर्ट करने के साथ देखो अभी इतना ज़्यादा बैरिस हो चुका है बाजार, तो यहाँ पर हेजिंग बहुत ही जरूरी बन जाती है। क्या बन जाती है? हेजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर नेकेड काम करेंगे तो बाजार आपको लॉस दे देगा, ये बात ध्यान रखना। हेज करके काम करूंगा जिससे मेरा रिस्क जो है कम रहे, बस 3-4 हज़ार रुपये का रिस्क लेना है मेरे को और प्रॉफिट अनलिमिटेड के लिए रुकना है, बस इतना सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9699646408, ये नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेजिंग स्ट्रेटेजीज टेक्निकल का सेटअप, जो मेरा ये टेक्निकल का सेटअप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको एक बात और दिखाता हूँ, पहले डेली चार्ट पे देख लो आप, डेली चार्ट में मेरे को सेल सिग्नल कब मिला है, यहाँ मिला है, देखो दिख रहा है 12,237, 206, 207 के आसपास यहाँ पे सेल सिग्नल दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है डेली चार्ट पे सेल सिग्नल, और उसके बाद से बाजार इतना अच्छा नीचे आया। और मैं 12,200 से आपसे बोलते आ रहा हूँ कि शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, फिर भी बहुत से लोग बाय करके काम करते हैं, फिर बाद में मेरे को भेजते हैं कि सर मैंने बाय करके फंस गया, ये करके फंस गया। आप को बाजार को समझना बहुत जरूरी है, बाजार को समझने के बाद ही काम करोगे तो जाके ज्यादा अच्छा है। यहाँ सेल सिग्नल मिला है, उसके बाद से सेल करके ही काम करना है। 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, 15 मिनट की सेटिंग भी दिखाता हूँ आपको इसकी, 15 मिनट में कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा सेटअप है इसका, ये भी पूरा मैं सिखाता हूँ आपको कि कैसे किस तरह से काम होता है इसका। ये देखो यहाँ सेल निकला है, उसके बाद से कितना अच्छा नीचे स्लिप हुआ है। यहाँ बाय दिया था तो बाय में भी देखे गया पैसा, ये देखिए यहाँ बाय दिया था, बाय में भी दिया, और इससे पहले दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर सेल दिया है, ये सेल भी दिया पैसा, यहाँ पर बाय दिया है, बाय भी दिया है, तो जहाँ पर वो देगा तो उतना आपको देके जाएगा। ये देखिए और दिखाता हूँ पीछे की तरफ, आप और देख लीजिए, इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है सेटअप, देखो यहाँ पर सेल सिग्नल दिया है, नीचे कितना अच्छा गिरा है दिख रहा होगा आपको, और दिखाता हूँ पीछे इंट्राडे में कैसे काम करता है, ये देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है, कितना अच्छा चला है दिख रहा होगा आपको, और देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है, कितना अच्छा नीचे गिरा है। तो इस तरह से सेटअप काम करता है, इंट्राडे के लिए भी काम के लिए बेनिफिट है आपका, और आप हेजिंग करते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। हेजिंग बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, नेकेट काम करके पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रीड एंड फियर वाला जो मीटर है वो हर एक के सामने आ ही जाता है, ये बात ध्यान रखना। लालच के चक्कर में आप लॉस करते हो या फिर डर के कारण लॉस करते हो, तो इसलिए क्या है, हेजिंग करोगे तो ना तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है और ना ही आपको डरने की जरूरत है, आराम से रात को नींद आएगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, देखो बहुत से लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है हमारे को, जो लोग कमेंट करते हैं लाइक करते हैं, बहुत से लोग हमारे को अच्छा लगता है, लाइक करने से हमारे को केवल एक ही बेनिफिट है कि हमारा वीडियो यूट्यूब में ऊपर की तरफ दिखता है, और कुछ बेनिफिट नहीं होता उसका। ओके, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद। एक करेक्शन थोड़ा सा रह गया, ये 11,777 नहीं है, ये 10,777,
10,777। सही, आप ये ध्यान रखिएगा, जो टारगेट है, जो मेरे को लगता है, वो लगता है 10,777, 11,000 थोड़ा गलत निकल गया वो। ये देखो, ये रेंज पे लेके आया हूँ मैं, तो ये ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये 10,777 के आसपास है जो मेरे को सामने यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और ये गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, गलत भी हो सकता है ये टारगेट। आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर से राय लेके करिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, आप दोबारा एक बार मैं बोलूँगा आपसे, अगर आप हेजिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9699646408 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल सीखना चाहते हैं, टेक्निकल भी मैं सिखाऊंगा आपको, इंट्राडे का भी मेरा सेटअप है वही सिखाऊंगा। टेक्निकल में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा बहुत भी अगर हमें आता है तो भी हम काम अच्छे से कर सकते हैं। तो जो करेक्शन मैंने करना था वो मैंने बता दिया आपको, जो टारगेट मेरे को लगता है वो 10,777 लगता है, 11,777 नहीं, 10,777। ओके, सिंपल सा टारगेट है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोबारा एक बार मैं आपसे बोलूँगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे सब। और जो लोग पुराने लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है वीडियो, कमा रहे हो, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ बहुत कुछ एजुकेशन मिल रही है, तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। ओके, धन्यवाद।